तो बात किस टाइम की? जिस टाइम वो साहब सिंह राजपूत अपने मकान पर चलने के लिए तैयारी कर देता है, तो वहां अपने मकान पे पहुंच जाता है। सोमवती ने पता चला कि साहब सिंह सरदार घर पर आ गए, तो सोमवती सोने की थाल मारते की तैयारी कर देती है। जिस वक्त वार्ता करती है वो साहब सिंह राजपूत उस आरते की थाली के ठोकर मार के नौकर राजा डांड तू आज मेरा आरता करती है। मैं आपसे जो पटकर कटार देख गया था वे कहां गई? श्रावती कहने लगी, महाराज मेरे पास आपकी बुआ आई थी और पटकर कटार दोनों चीज वालेगी ही। तो उत्साह सिंह राजपूत श्रावती को एक बात के द्वारा क्या समझाता है, क्या कह जीवन जोगा मैं तोलिया छोटा हुण ले मानस खाई जब कोड़ा छुटा था और मात पता ना बुआ बाणियो बाग मेरा फुटा था। छोड़े कली मैं गया नौकरी जब दिल सा टूटा था। छोड़े कली साहब सिंह ने कह लागा कि देखे पापन तू अपने दीन मान पर नहीं रही, अपने हिंदू धर्म में जितने मजहब थे उनमें छोड़ के उस मुसलमान के धर्म में पहुंच गई, अपने कौन कौन से छोड़ दे उनके कौन कौन सा पर गई क्या बताया। और शवाले तजके बनगी पीर मड़ी तो और बद्र छोड़ी श्री कृष्ण जी का मस्जिद बीच चढ़ी तू।
पाठ तजके मक्के तैर बड़ी तो गंगा जमुना तीरथ तजके मक्के तैर बड़ी तो इब सारी छोड़ पहर लिया बुरका करे तो अचो ना खाई के लिए का नहीं पता था तू मेरे साथ ऐसी खानदान के दाग लगाओगी क्योंकि मैं तेरे यकीन के ऊपर यहां तुम्हें छोड़ के गया था। इस बात का मैंने पता होता तो मैं तेरा कोई और रास्ता बांध के जाता किसी मौला का जी को बुलवा के तेरा निकाह करवा देता। मेरी दरबारों में तो बात नहीं खनती। इन कवि ने चौथी गली में क्या कल्पना दिखाई। दीने अमान बता की इज्जत बच जाएगी और कुछ ते उनते ना थी मारी ही कुछ दूनी खच जाएगी। कल फसी टूटू मैं दरबारा में तै पक्की इज्जत जाएगी। कल फसी टूटू दरबारा में की बन